आई डोंट नो आप में से कितने लोग को पता है एक यूट्यूबर, उनका नाम है डूड परफेक्ट। तो बेसिकली वो लोग ट्रिक शॉट वीडियोस, रियल लाइफ गेम वीडियोस, चैलेंजेस ये सब करते हैं और मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं। इनफैक्ट वो दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में उनका नाम ले सकते हो तुम, कैनेडियन बेस्ड यूट्यूबर्स हैं। तो भाई वो इतनी सही सही ट्रिक शॉट वीडियोस बनाते हैं ना, मैं एक बार दिखा देता हूँ। आई नो कि तुम में से बहुत लोग ने इनको देखा होगा। तो मैं ये कह रहा था बेसिकली दे आर माई फेवरेट यूट्यूबर। मेरा जो दूसरा चैनल है समी की क्रेजनेस, वो भी एक रियल लाइफ चैलेंजेस गेम पे बेस्ड है, जो इनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है, थोड़ा बहुत अलग है। बट अगर दिखाता हूँ कितना मुश्किल होता है ट्रिक शॉट बनाना, लेट मी ट्राई सम ट्रिक शॉट। ये वीडियो में हम व्लॉग में ट्रिक शॉट करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्यों? लेकिन वो सब करने से पहले ऑफिस का काम जल्दी से ख़त्म कर लेता हूँ। ख़त्म किया, थोड़ा प्रोग्रेस कर लेता हूँ ताकि शाम की DS के लिए मेरे पास अपडेट हो। GoPro ले लूँ अपना। ओ सॉरी, ये GoPro नहीं, Insta360 है। ये भी एक तरीके का एक्शन कैमरा है। ये बेसिकली इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसका जो 360 कैमरा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सारे GoPro इन सबको पीछे छोड़ दिया है, बट क्योंकि लोगों को पता नहीं है ज़्यादा ये एक्शन कैमरा के बारे में, उनको सिर्फ पता है GoPro, तो इसलिए GoPro बोल देता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। बट इट्स इवन बेटर। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ख़रीदा है, बट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट है। गो एंड सर्च इट। तो यार एक स्लैम डंक मारते हैं ट्रिक शॉट के स्टाइल में, 360 डिग्री बिहाइंड द बैक डंक। अब एक बिटवीन द लेग करता हूं, बिहाइंड द बैक बिटवीन लेग करके देखते हैं, बहुत ही मुश्किल होगा। ये नहीं होगा। एक दूसरा करता हूं, उसका नाम नहीं पता। काफी क्रेजी, थक गए भाई बहुत ज्यादा। स्टैमिना बहुत कम हो गया यार, रनिंग करनी पड़ेगी। ओ भाई, तो मैं अभी पूल में जाने वाला हूँ, नहाने नहीं, बेसिकली जा रहा हूँ थंबनेल बनाने। तो मेरा जो दूसरा चैनल है समी की क्रेजनेस, जैसा मैंने अभी बताया था, तो उसके लिए एक वीडियो आने वाली है जिसका थंबनेल पानी के अंदर जाके अंडर द वाटर होगा। अब बिहाइंड द सीन दिखाता हूँ मैं, ठीक है? मज़ा आएगा भाई। दरवाज़ा बंद कर दूँ नहीं तो कोई आ जाएगा। अभी इतनी धूप वाला टाइम है ना, अभी एकदम से धूप वैसे तो कम हो गई है, बट इस टाइम शांति नहीं तो बहुत लोग आ जाते हैं यार, फिर मैं डिस्टर्ब होता हूँ अपने वीडियो बनाने में, और मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। तो मैं अपने उस चीज़ पे फोकस करता हूँ जो मुझे लाइफ में करना है। तो अपना सामान ले लिया जाए भाई पूल का। तो ये जो सैंड टाइमर है जिसको ऐसे पलटते हैं तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाता है, ये अंडर द वाटर ले जाना है। बेसिकली वीडियो देखना तो तुम लोग को मज़ा आएगा। यार एक बार देख लेता हूँ ये पानी के अंदर ले जाके, खराब तो नहीं होगा? खराब लग तो नहीं रहा है, कोई लीकेज की नहीं हो अंदर, नहीं है तो ठीक है, फिर हो सकता है काम। चलो जल्दी से थंबनेल पहले शूट कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें करेंगे। ये सब चीज़ें पहन लें क्योंकि कानों में इन्फेक्शन हो जाता है भाई, तो टाइमर भी लगा देते हैं। पानी के अंदर चलते हैं भाई पहले, तो जूम दिखवा रहा है।
परफेक्ट है, मैं प्रोसीड कर सकता हूँ। देखते हैं फोटो कैसी आई। पहली कुछ ऐसी आई है, दूसरी ऐसी आई है, तीसरी ऐसी आई है। मेरी शक्ल तो दिख नहीं रही यार किसी में भी। फिर से शूट करते हैं, नहीं तो मैं वीडियो कैप्चर कर लूँगा और उससे स्क्रीनशॉट ले लूँगा इससे। भाई ये देखो चिपक गया है, अगर मैं इसको यूँ फुल करूँगा नहीं हो रहा, और अगर ये ऐसे करूँगा देख क्या स्लिप हो रही है। देख ये देखना, वो बहुत मुश्किल है निकालना। तो आप हम नहाते हैं, तो क्योंकि नहा ही रहे हैं तो एक ट्रिक शॉट बनाते हैं यार इस फिस्बी की मदद से। पानी में बाउंस करते हुए इस बकेट को मारना है जो कि उधर रख देता हूँ। अब इसको हम मारते हैं फिस्बी से, बट बाउंस करते हुए। कुछ ऐसे एक बार डायरिंग मारता हूँ यार, बाउंस नहीं हो रहा। अभी भी पड़ा नहीं, ऊपर था। तुड़ तुड़ तुड़। पड़ गया, इस बार बाउंस करके मारूंगा, आप दिखाता हूँ। ये वाला तो इजली हो गया, बट बहुत डिफिकल्ट ट्रिक शॉट होती है। कहने का मकसद ये है। पड़ गया भाई, सक्सेसफुली। भाई ये अच्छा तरीका है यार, ये हमारा कैमरा इस पर नाव की तरह काम करेगा। इसको यूँ फेंक सकते हैं, तो अगर कैमरामैन की अब हमें ज़रूरत नहीं, हम सब खुद कर लेंगे। ओ भाई साहब, बाय, सी यू। देखा बेटे डॉल्फिन जब ना लिया भाई, काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। हमारा काम भी हो गया, थंबनेल शूट हो गया, हल्का सा पार्ट था 3 सेकंड का वो भी शूट हो गया पानी में। ओह अब बैक टू ऑफिस।